यूसीसी। जब जब इसको लेकर देश में चर्चा होती है, कुछ क्षेत्रों से इसका विरोध दिखाई देता है और कुछ क्षेत्र जो कि इसके पक्ष में रहते हैं उनकी तरफ से एक ही सवाल होता है, हंगामा क्यों है बरपा? यूसीसी की ही तो बात हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक याग्निक है और आप इस समय IBC24 का यूट्यूब चैनल खबर बेबाक देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूसीसी की। यूसीसी अभी उत्तराखंड में पेश हुआ है और इसमें क्या कुछ अहम मुद्दे हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, साथ साथ देखेंगे इसके पक्ष में जो लोग हैं उनका क्या कहना है और इसके जो विपक्ष में लोग हैं उन सबका क्या कहना है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, केंद्र सरकार इसको लागू करने की कोशिश में है। लोग जो इसके पक्ष में है उन सबका ये कहना है कि भाई जब देश एक है तो फिर कानून अलग अलग क्यों हो। मसलन एक देश तो फिर एक कानून। पूरे देश भर में केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए संकेत भी दिए हैं और यूसीसी लागू हो जाने के बाद में पूरे देश में सभी धर्मों के लिए और समुदायों के लिए कानून एक बराबर और एक समान हो जाएगा। साल 2019 में लोकसभा चुनाव जब होने थे तो बीजेपी ने इस मुद्दे को यानी कि यूसीसी को देश भर में लागू करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में रखा था। अब साल 2024 है और कुछ महीनों में ही लोकसभा चुनाव एक बार फिर से होने हैं, इसलिए यूसीसी को लागू करने की कवायद और तेज हो गई और इसी तर्ज पर उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने पर चर्चा हुई और फिर विधानसभा में इसे पेश भी कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। तो आइए जरा आपको भी यूसीसी के बारे में डिटेल में समझा देते हैं और आपको बताते हैं यूसीसी की कुछ अहम बातें। इस कानून के तहत लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाई जाएगी ताकि वो विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सके। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, बगैर रजिस्ट्रेशन वो किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे। ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पति पत्नी दोनों के लिए तलाक के समान अधिकार होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी दोनों के लिए तलाक के अलग अलग ग्राउंड होते हैं। पॉलीगैमी या फिर बहुविवाह पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। अब जो युवा हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुने। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी हो जाएगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा जिसका फॉर्मेट तैयार किया जाएगा। नौकरीशुदा बेटे की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। अगर पत्नी पुनः विवाह करती है तो पति की मौत के बाद मिलने वाले कंपनसेशन में माता पिता का भी हिस्सा होगा। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उनका भरण पोषण का दायित्व पति पर होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी एडॉप्शन का अधिकार मिलेगा। गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। हलाला और इद्दत पर भी रोक होगी। इसमें गार्जियनशिप को लेकर के भी एक प्रावधान जोड़ा जाएगा। बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान की जाएगी। पति पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकती है। हालांकि जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर इसमें अभी कोई भी पॉइंट नहीं जोड़ा गया है। अब ये तो हो गई यूसीसी की बात, लेकिन जो लोग अब इसके खिलाफ हैं, जो क्षेत्रों से इसके विरोध में आवाजें उठ रही हैं, उनका क्या कहना है जरा आपको सुनवा देते हैं। टीएमसी के एमपी सुगाता रॉय का इस पर कहना है कि बीजेपी शासित जो प्रदेश है, बीजेपी सरकार उन सभी में यूसीसी को लागू कर ले, लेकिन हम यूसीसी को लागू नहीं करेंगे। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, सो दे कैन इम्प्लीमेंट इट इन बीजेपी रूल स्टेट, इट विल नॉट हैपन इन विस्कॉन्सिन। इसके बाद कांग्रेस के एमपी इमरान प्रताप गढ़ी ने उत्तराखंड विधानसभा में जो यूसीसी पेश हुआ है उसको लेकर चुनावी स्टंट बताया है। जरा आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के पास भी गिनाने के लिए काम के तौर पर कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था से लेकर के महिला सुरक्षा से लेकर हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है, तो पुष्कर धामी जी के पास और कोई तरीका बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में जाने के लिए। यूसीसी का प्रोपेगंडा खड़ा करना,
इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि पूरी तरह विफल है, अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, उत्तराखंड में आज भी लोगों के पास रोजगार, अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं में गुस्सा, इस सारे मुद्दे पर घिरी हुई उत्तराखंड की सरकार के पास और कुछ नहीं है। ये तरीका भी आजमा के देख लें, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। इसके बाद मौलाना खालिद रशीद बोलते हैं कि यूनिफॉर्मिटी सभी कानूनों में लागू नहीं की जा सकती, और अगर आप किसी पर्टिकुलर समुदाय को इसमें छोड़ देते हैं तो फिर इसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कह सकते हैं? As far as uniform civil code is concerned, we are of the opinion that uniformity cannot be brought in each and every laws. And if you exempt a particular community or any community from this uniform civil code, how can it can be called a uniform code? And as far as our constitution is concerned, you all know that till date, Article 25 still exists, and the fundamental right includes the right to religious freedom, which is guaranteed to each and every citizen. So, and even today, the Sharia Application Act 1937 exists. For our Hindu brothers and sisters, Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Adoption Acts, all these acts are still present in our country. So we are of the opinion that basically there was no need of any such uniform civil code. And after the draft is presented before the assembly, and we get the access of this law, our legal team will study this law and then further course of action will be decided. UCC के विरोध में जो लोग हैं उनमें से कुछ का हमने वर्जन आपको सुनवा दिया, लेकिन जो लोग इसके पक्ष में हैं उनका क्या कहना है जरा वो भी सुन लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा कहते हैं कि असम यूसीसी को लागू करने वाला तीसरा प्रदेश बनेगा, लेकिन इसको जब लागू किया जाएगा तो फिर उसमें ट्राइबल कम्युनिटी को शामिल नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड एंड गुजरात विल ब्रिंग यूसीसी फास्ट एंड असम विल फॉलो देम विद सम न्यू एडिशन टू दैट बिल लाइक असम मॉडल, बट आई एम वेटिंग टू सी द बिल ऑफ उत्तराखंड। And once Uttarakhand bill is done, we'll bring the same bill, but there will be considering that we are working against child marriage, we are working against polygamy. So there will be some Assam's innovation into the bill. But of course, in Assam bill, we'll exempt tribal community from the ambit of the उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तराखंड सरकार को यूसीसी पेश करने के लिए बधाई दी, और साथ साथ उन्होंने कह दिया कि बीजेपी ने अपने जो जो वादे किए हैं उन सबको बीजेपी पूरा करती जा रही है। यूसीसी भी एक वादा था और देवभूमि से अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को यूसीसी लाने के लिए बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से, भाजपा का विचार का मुद्दा है, और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। सर, वैसे जैसे नेता ये बात कहते हैं कि शरिया कानून पर फर्क पड़ेगा, यहाँ इस देश में हर व्यक्ति के लिए एक कानून होगा, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, ऐसा नहीं है। यह देश सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ रहा है। इस देश में चार जातियां हैं, गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है, और इससे अलग हट करके जो सोचने वाले हैं उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में। बीजेपी के एमपी हेमा मालिनी ने यूसीसी के पक्ष में बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने के बाद में सभी महिलाओं को काफी ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। वी आर वेरी हैप्पी व्हाट हैज हैपेंड, एंड ये जो पास हुआ है रूल, जिसकी वजह से सारे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस गुड न्यूज फॉर देम कि सबका बेनिफिट होगा इसमें। सब वर्ग के महिलाएं, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल काइंड ऑफ वीमेन विल बी बेनिफिटेड। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ मेनी थिंग्स फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स,
सो वो उनके लिए अच्छा है, हमारी सरकार ने ये किया है ये काम, इतना अच्छा काम. सो आई एम वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी हैप्पी. वो हर बात पे अपोजिशन गलत ही बोलते हैं ना, तो उनको बोलने दीजिए अभी क्या करें. तो आप लोग भी यही सवाल पूछते हैं क्या कहना है, अभी क्या कहना है क्या. दे आर डूइंग देयर ड्यूटी बट वी आर डूइंग आवर जॉब एंड वी आर डूइंग वेरी वेल एंड द पीपल आर विद अस. मोदी जी के सरकार के साथ पूरा द एंटायर कंट्री इज देयर. एक टीवी शो में जब यूसीसी पर डिबेट चल रही थी तो वहां पर अश्विनी उपाध्याय जो कि पेशे से एक वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि देश में दो तरफा चीजें नहीं हो सकती. अगर मुस्लिम पक्ष कहता है कि हम शरिया कानून का पालन करेंगे तो फिर उसमें ब्याज लेना भी हराम है, और अगर ऐसा है तो देश के 20 करोड़ मुस्लिम भाई बहन ब्याज अपने खातों में क्यों लेते हैं. इसके बाद वो कहते हैं कि अगर मुफ्तखोरी हराम है तो फिर केंद्र की ऐसी लगभग 300 योजनाएं हैं जो कि मुफ्त लाभ देती हैं, फिर उनको आप कैसे स्वीकार करते हैं. लेकिन जब महिलाओं के हक की बात आती है, जब उनको दबाने की बात आती है, तो फिर आप कहते हैं कि हम शरिया कानून को ही बरकरार रखना चाहेंगे. अब यूसीसी के पक्ष में लोग क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवा दिया, यूसीसी के विपक्ष में लोगों का क्या कहना है वो भी हमने आपको सुनवा दिया, यूसीसी में क्या क्या बड़ी बातें हैं वो भी हमने आपको बताई. अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यूसीसी आपके हिसाब से देश में लागू होना चाहिए या फिर नहीं. फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है. इस तरह के वीडियोस अगर आपको आगे भी देखने हैं तो आप खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा.